जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेक न्यूज अपडेट आ रही है। दोस्तों बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, यानी कि दोस्तों ये दोनों डॉक्यूमेंट है, तो आप फिर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास आधार और पैन यानी कि ये दोनों डॉक्यूमेंट न हो। तो इसीलिए अगर आपके पास या आपके परिवार में किसी के पास भी ये दोनों डॉक्यूमेंट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वरना आगे चल करके यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपकी परेशानियां बढ़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार 1 अक्टूबर 2024 से हमारे इन दोनों डॉक्यूमेंट को लेकर के क्या सबसे बड़ी खबर आई है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम आधार को लेकर के बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि आधार कार्ड में केवल एक बार अगर आप संशोधन करवा लेते हैं, चाहे आपका नाम, जन्म तिथि या फिर फोटो या कोई भी A to Z अगर आप एक बार अपने आधार में चेंज करवा लेते हैं, तो फिर दोबारा से आपके आधार में कोई भी चीज बदलाव नहीं होगा। फिर चाहे आपका मोबाइल नंबर हो या डेट ऑफ बर्थ हो या फिर नाम हो या फिर पिता का नाम हो, यानी कि एक ही बार सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आधार में संशोधन करवाना है और इसके बाद आप दोबारा या फिर तिबारा अपने आधार में कोई भी संशोधन 1 अक्टूबर 2024 के बाद नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास अब भी आधार में कुछ गड़बड़ है तो आप एक ही बार में सारा कुछ कम्प्लीट संशोधन करवा लीजिएगा, वरना फिर आपके आधार में कोई भी दिक्कत होगी तो फिर दोबारा से संशोधन नहीं किया जाएगा। एक तरफ से ये मान लीजिए कि आधार ने ये सर्विस हमेशा के लिए बंद कर दी है। और इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं पैन कार्ड वालों के लिए। दोस्तों बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से अगर आपके पास दो-दो पैन कार्ड है, यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैन कार्ड के रहते हुए दूसरे पैन कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उन सभी के लिए हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे बड़ी खबर आई है कि अगर आपके पास दो-दो पैन कार्ड रहेगा तो अब से आप पर ₹10,000 का पेनाल्टी यानी कि जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ आपको 1 साल की जेल भी हो सकती है। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आपके पास एक पैन कार्ड के रहते हुए अगर आप दूसरे पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या फिर अगर आपके पास दूसरा पैन कार्ड है, तो आप उसे जल्दी से जल्दी एक पैन कार्ड को रद्द करवा लीजिए, वरना दोस्तों आगे चल करके यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपका कोई भी सरकारी या कोई भी आपका काम तो होगा नहीं, लेकिन फिर उसके बाद आपको सजा और आपको पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा। तो इन बातों को आप विशेष ध्यान दीजिए। और दोस्तों बता दें कि ये दोनों सख्त नियम 1 अक्टूबर 2024 से हमारे पूरे देश में लागू हो रहे हैं। तो ऐसे में आप हमें नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि इन दोनों डॉक्यूमेंट में से आपको क्या अपडेट अच्छा लगा है, इतनी बात हमें नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।